बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर नर और मादा कौआ अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ समय बाद एक सांप भी इस पेड़ के खोखल में आकर बस गया। जब कौए भोजन की तलाश में बाहर जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा दो बार हुआ जिससे कौओं को बहुत दुख हुआ। मादा कौए ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौआ भी बहुत दुखी था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ से सलाह लेने का निश्चय किया। वे गीदड़ के पास गए और अपनी सारी परेशानी बताई। गीदड़ ने कहा, चिंता करने से सांप से छुटकारा नहीं मिलेगा, शत्रु को समाप्त करने के लिए दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने थोड़ी देर सोचकर एक शानदार योजना बनाई। अगली सुबह कौआ और कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुँचे, जहाँ रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। रानी ने अपने कपड़े और गहने उतारकर पानी में प्रवेश किया। कुछ दूरी पर खड़े दरबान इन सामान की देखभाल कर रहे थे। मादा कौए ने रानी का हार उठाया और उड़ गई। नर कौआ उसके पीछे जोर जोर से काव काव करता उड़ने लगा, ताकि दरबानों का ध्यान उस ओर चला जाए। दरबानों ने कौओं को हार ले जाते देखा तो तलवारें और भाले लेकर उनके पीछे भागे। जल्द ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कौए ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया है। दरबानों ने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़कर बाहर निकला और फुकारता हुआ दरबानों पर हमला करने लगा। दरबान डर गए और लाठी से पीट पीट कर सांप को मार डाला। फिर वे हार लेकर चले गए। कौआ और कौवी सांप को मरा देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा: चिंता करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता।